सो हाँ व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स योर बी बोनस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही छोटा सा और बहुत अच्छा, और ये व्लॉग होने वाला है अबाउट जोश के इवेंट का। जोश का इवेंट हो रहा है जो कि हमारे जयपुर में ईपी में हो रहा है, बहुत ही पास है, हमारे घर से 2 से 3 किलोमीटर दूर है। तो मुझे बताया गया है कि वहाँ पर कार्तिक आर्यन सर आ रहे हैं, तो हमारा उनके साथ मीटअप है और कुछ छोटा सा शूट वूट है, उसके बारे में नहीं पता, वो तो वहाँ जाके पता ही चलेगा। सो गाइस, अब हम हो चुके हैं तैयार और उन्होंने सिर्फ सेलेक्ट किया मुझे, काफ़ी लंबी टीम थी हमारी, बट फॉलोअर्स बेस पे करते हैं, कोई ना, फिर उसके फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम एक दो बंदे को साथ में लेके ही जाएंगे। तो मैंने बोला है जिनसे वो रेडी हो के आ रहे हैं, तो मैंने सोचा तब तक इंट्रो दे लेता हूँ, तो जब तक वीडियो को आप इंजॉय करें और बस मिलते हैं हम धीरे धीरे चलते चलते। थैंक यू सो मच गाइस, आप बने रहें और देखें हमारा साथ क्या होता है वहाँ पर जोश के इवेंट में और कितने इन्जॉय करते हैं। लव यू ऑल। सो फाइनली गाइस, हम आ चुके हैं ईपी में। अब हम जाएंगे अंदर, देखते हैं अंदर क्या है, कैसा सीन है, ठीक है, मिलते हैं। तो गाइस, अब हमारी हो रही है एंट्री और यहाँ पे शायद कुछ हो रहा है, निकला तुम। ये भूल भुलैया, ये हो रहा है भूल भुलैया का डांस का शो। थैंक यू सो मच गाइस, अगर वीडियो में आप इतनी लास्ट तक जुड़े हैं और वीडियो को अभी भी देख रहे हैं, तो सो गाइस बस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कार्तिक सर से मिलने के बाद, कार्तिक भाई या कार्तिक सर एक ही बात है, क्योंकि मिलने के बाद तो ऐसा लगता है कि काफ़ी पुरानी रिश्तेदारी है और काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। और ठीक है गाइस, तो अब तो भूल भुलैया 200 करोड़ पार कर चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशन कार्तिक सर के फैंस जो भी हैं, और किया आडवाणी और अनीस बजानी सर को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, 200 करोड़ भूल भुलैया 2 पार कर चुकी है। और अब जो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है वो अंजलि रॉय का है, जो कि एमएक्स टकाटक की तरफ से है। अंजलि राय को जानते होंगे आप, तो एमएक्स टकाटक पे उनके 26 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइब फॉलोअर्स हैं, और इंस्टाग्राम पे उनके 18 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और यूट्यूब पे भी उनके काफ़ी सब्सक्राइबर हैं, और भी कई सारे एल्बम भी आ चुके हैं। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो जनहित में जारी है, जो कि जोश की तरफ से अगेन है, मतलब कि फिर से जोश की तरफ से ही दिखाई जाएगी। 8 तारीख को उसकी स्क्रीनिंग होगी और 10 तारीख को वो मी लॉन्च होगी, मतलब कि थिएटर में लग जाएगी 10 तारीख को। सो गाइस, आप लोग जाइए, एंजॉय कीजिए, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ स्क्रीनिंग के लिए। सो गाइस, मिलते हैं आप सीधा उसी नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट।